हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। 30 मई के दिन या कहीं पर 29 मई को जो है बट सावित्री का त्यौहार मनाया जाएगा, व्रत किया जाएगा। इस दिन खास संयोग बन रहा है सोमवती अमावस्या बट सावित्री का। ऐसे में महिलाएं व्रत त्यौहार पूजा पाठ प्रभु को रिझाने की प्रत्येक कोशिश करेगी। ऐसे में अगर महिला पीरियड से हो जाए तो व्रत कैसे करें, नए श्रृंगार सामग्री या साड़ी इत्यादि का चयन कैसे करें, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहले साल भर में जो वार्षिक त्यौहार आते हैं, शास्त्र कहता है उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उस व्रत को करना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्र यह भी कहता है कि प्रत्येक महिला को जो है 4 दिन तक जो है अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ में किसी तरह से जो है संलग्न नहीं रहना है, अर्थात उस पूजा में शामिल नहीं होना है। जब महिला 4 दिन पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, उसके बाद 5वें दिन से बाल इत्यादि धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर व्रत इत्यादि कर सकती है, प्रत्येक पूजा में शामिल हो सकती है। ऐसे कालिका पुराण में लिखा गया है, आप श्लोक भी ऊपर पढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप 4 दिन के अंदर हैं, कहने का अर्थ है अगर आपको 1, 2 या 3रा दिन है या 4था दिन है, तो आप पूजा में संलग्न नहीं हो सकती, ना ही किसी पूजा के सामग्री को आप छुआ सकती है। अगर आप 5वें दिन से हैं तो आराम से जो है वर्षावित्री का व्रत भी कर सकती हैं, पूजन भी कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप 4 दिन तक अशुद्ध अवस्था में हैं तो आप सभी को कैसे करना है, आप सभी को पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना है, मानसिक रूप से आप सभी को भगवान का यह व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी पूजा की सामग्री को आप सभी को हाथ नहीं लगाना है, आप अपने नाम की पूजा की सामग्री होगी जो दान के लिए होगी या पूजा के लिए, आप वट वृक्ष की पूजा करेंगे या पंडित जी महाराज को घर पर बुलाकर पूजन करवाएंगे सामूहिक रूप से, अपने नाम का जो है किसी अन्य महिला के हाथ लगवा आप जो है, कहने का अर्थ है अन्य महिला से अपने नाम की पूजा करवा सकती हैं। इस तरह से जो है वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही कई लोग जो है वट वृक्ष की फेरी लगाते हैं, वह भी जो है आप नहीं कर सकते। आप चाहें तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर जो है 7 फेरी लगा सकते हैं, अर्थात 7 परिक्रमा की कर सकते हैं। कहने का अर्थ है मानसिक पूजा की जाएगी, मन ही मन प्रभु का स्मरण किया जाएगा और उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ जाएगा कि भगवान आज इस कारण से जो है मैं आपकी साक्षात पूजा नहीं कर सकती, परंतु जो है मैं आपकी मानसिक पूजा अर्थात मैं व्रत में हूँ और आपसे निरंतर जो है अपने अखंड सुहाग की कामना कर रही हूँ। ऐसे में इस तरह से जो है यह व्रत किया जाएगा। साथ ही दान इत्यादि की बात आती है तो आप उस दान की सामग्री को अलग रख लीजिए। जब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे तब जो दान की सामग्री होगी वह जो है आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ होने के बाद जहाँ पर आप देते हैं, कहने का अर्थ है कई लोग बड़े लोगों को देते हैं, अपने से बड़ों को, कई लोग जो है पंडित जी महाराज इत्यादि को देते हैं, तो उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से जो है वट सावित्री व्रत का पूजन इत्यादि आप दूसरों के हाथ से अपने नाम का करवा सकती हैं। इसके साथ ही आप सभी को नए वस्त्रों का चयन नहीं करना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नए वस्त्र अर्थात कोरी साड़ी इत्यादि, कोरी साड़ी कहने का अर्थ है कि वह जो है पूर्ण रूप से धारण नहीं करनी चाहिए, ना ही नया श्रृंगार का सामान, कहने का अर्थ है कोई पुरानी साफ स्वच्छ साड़ी हो उसे पहन लीजिए और व्रत कीजिए। इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री सिंदूर इत्यादि, चूड़ी इत्यादि अलग से निकाल कर उसे जो है आप धारण कीजिए, कहने का अर्थ है श्रृंगार इत्यादि कर सकते हैं परंतु नई सामग्री को ना छुए तो बेहतर होगा। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं, जैसे कहा जाता है कुल रीति, क्षेत्र रीति और राज्य रीति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में अलग तरह की धारणाएं हो। मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत कारगर रहेगा। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।